गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में महाविद्यालय की छात्रा कल्याण परिषद के तत्वाधान में संस्कृति संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन दो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, साथ ही विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सीओ कोतवाली अनिल कुमार यादव, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा, उप प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास तथा मुख्य अनुशासिका डॉक्टर गीता परिहार द्वारा माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके बाद लिपिका और ईशा ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। छात्रा कल्याण परिषद के पदाधिकारियों ने समारोह में उपस्थित सम्मानित अतिथियों का बैज लगाकर स्वागत किया। बेटा मैं अभी अपनी लंदन वाली फ्रेंड से चैट कर रही हूँ, आप पापा से पूछ लो। पापा पापा मुझे मैथ का क्वेश्चन समझा दो। क्यों बेटा, आपको मैम ने स्कूल में नहीं समझाया था? समझाया था। तो फिर बेटा आपको स्कूल में ध्यान किधर था? पापा समझा दो। बेटा मैं अभी ऑफिस का काम कर रहा हूँ, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने अपने संबोधन में मुख्य अतिथि का हार्दिक अभिनंदन करते हुए महाविद्यालय की टीम को भी सफल आयोजन के लिए हार्दिक बधाई और धन्यवाद दिया। छात्रा कल्याण परिषद के चुनाव हुए थे, उसके संबंध में एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ रखी गई और इन छात्राओं ने ही इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था की। ये दो दिन का कार्यक्रम था, आज ये दूसरा दिन है और इसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को इन लोगों ने आयोजित किया और ये व्यवस्था काफ़ी समय से गोकुलदास महिला कॉलेज में चली आ रही है परंपरा। इसमें बच्चे जो है स्वयं ही इन चीज़ों की व्यवस्था करते हैं और कार्यक्रम वगैरह स्वयं ही आयोजित करते हैं और ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण इस अर्थ में बन जाता है कि जो लड़कियाँ हैं ये आत्मनिर्भर होना, इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, इनके कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। वो सारी चीज़ें हैं वो इन्हीं चीज़ों के माध्यम से सीखती हैं और इसके बाद जब ये कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके एक सोशल रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के रूप में आएंगी, तब वहाँ पर इनको ये सारी चीज़ें जो यहाँ सीख रही हैं वो काम आएंगी। इस उद्देश्य से इन लोगों को इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी जाती है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने अपने संबोधन में मुख्य अतिथि का हार्दिक अभिनंदन करते हुए महाविद्यालय की टीम को भी सफल आयोजन के लिए हार्दिक बधाई और धन्यवाद दिया। उपप्राचार्य डॉक्टर अंजना दास ने भी छात्राओं को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन करते हुए परिषद की सह संयोजिका डॉक्टर अंशु सरीन ने परिषद द्वारा संचालित किए जाने वाले पाठ्येतर कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में समाज की ज्वलंत समस्याओं पर आधारित विषयों पर एक नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन छात्रा कल्याण परिषद की सह संयोजिका डॉक्टर अंशु सरीन द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन संयोजिका डॉक्टर कविता भटनागर ने किया। इसके साथ ही समिति की सदस्यों डॉक्टर पुनीता शर्मा, डॉक्टर किरण साहू, डॉक्टर वंदना पांडे, डॉक्टर सुदेश, डॉक्टर एकता भाटिया, डॉक्टर अंचल गुप्ता, डॉक्टर प्रवीण सैनी तथा डॉक्टर प्रेमलता कश्यप का विशेष सहयोग रहा। संस्कृति संवाद के अंत में दोनों दिन संपन्न हुई सभी प्रतियोगिताओं के विजेता छात्राओं को पुरस्कार वितरण किया गया। इस अवसर पर समस्त महाविद्यालय परिवार ने उपस्थित रहकर प्रतिभागी छात्राओं का उत्साहवर्धन किया।